नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से, और आज आपके लिए एक अनोखी गाड़ी अनोखी जगह में लेके आए हैं। हम लोग हैं वायुमित्र के फार्म पे। वायुमित्र एक बायोगैस प्लांट बनाने वाली कंपनी है, और हमारे साथ में है आज बैटरी कंपनी की जिप्सी गाड़ी। उनकी जो LOEV गाड़ी है जिसके ऊपर में जिप्सी बेस्ड है, उसके ऊपर हम पहले भी एक बार वीडियो कर चुके हैं, आप यहाँ पे इसका पुराने वाले का लिंक देख सकते हैं। तो आज हम लोग दो चीज़ पे काम करेंगे। एक तो इसमें जो GPS कनेक्टिविटी के जो फीचर हैं वो आपको बताएंगे, और दूसरा करीब हम लोग 125 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, तो क्या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताऊंगा। चलते हैं रास्ते पे और देखते हैं कि टॉप स्पीड पे आने के लिए Level 3 में कितने सेकंड लगते हैं। हम टॉप स्पीड पे पहुंच गए हम लोग। अभी थोड़ा सा रास्ता डाउन है, उसकी वजह से शायद हमें समय कम लगेगा, और ये आ गई टॉप स्पीड। ये गाड़ी की खासियत है कि इसके अंदर एक GPS सिस्टम लगाया हुआ है, जिसमें एक 2G सिम कार्ड है, और ये सिम कार्ड अपने मोबाइल पे खबर देते रहता है कि आप इस समय कहाँ पे हो। आपको और भी खबर मिलती है कि आपकी स्पीड क्या है इस समय, आपको खबर मिलती है कि आपने सडन ब्रेक मारा क्या, आपको खबर मिलती है आपने लेफ्ट टर्न लिया या नहीं लिया, आपने खबर मिलती है आपने राइट टर्न लिया या नहीं लिया। अच्छी लड़की को देखा तो कोई खबर नहीं। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको अपने मोबाइल पे ऐप पे मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके पास ऐप नहीं है तो अपने PC पे आप इसको ब्राउज़र में भी देख सकते हैं। अभी तक कंपनी ने एप्पल के लिए कोई ऐप नहीं बनाया हुआ है। सिम कार्ड अपना जो लोकेशन है वो बीम कर रहा है सर्वर को, और सर्वर से आपको फ़ोन पे पता चलता है कि गाड़ी इस समय एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो समझो आपकी गाड़ी चोरी हो गई, चोर को पता नहीं है इसके अंदर GPS है, वो अपने गाँव में लेकर के गाड़ी उसने गैरेज में रख ली। वहाँ जैसे ही अपने डायरेक्शंस बटन दबाए अपने ऐप पे, तो आपको अपने घर से वो गांव का सबसे छोटा रूट भी बता देगा, तो आप गाड़ी के साथ पहुंच सकते हैं। अब ये जो GPS ट्रैकिंग है किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी? अगर आपके पास में एक सेल्स डिलीवरी की फ्लीट है, समझो होटल हैं रेस्टोरेंट हैं, और आपने लोगों को भेजा हुआ है खाने का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, आपको एग्जैक्टली रियल टाइम में पता चलेगा कि आपके डिलीवरी बॉय कहाँ पहुंचे हुए, ताकि आपको अगला ऑर्डर जो आएगा आप फोरकास्ट कर सकते हो कि कितनी देर में आप कस्टमर को कमिटमेंट दे सकते हो डिलीवरी कंप्लीट होने का। तो ये हो गया एक एप्लीकेशन। जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं वो अपना रूट मैपिंग का डेटा रियल टाइम स्टोर करके उसके ऊपर में एनालिसिस कर सकती हैं। तो अगर आपका लड़का या लड़की 14-15 साल की उम्र में पहली बार गाड़ी पे जा रहे हैं बाहर, और एज अ पेरेंट आपको थोड़ी सी फिक्र लगी हुई है, तो आप उनका प्रोग्रेस, गाड़ी कहाँ पहुँची हुई है, क्या स्पीड पे जा रही है वगैरह वगैरह आप अपने ऐप के ऊपर देख सकते हैं। ट्रिप हिस्ट्री का जो फीचर है ऐप में, वो आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी ने दिन में कितने ट्रिप मारे। समझो आपने एक मिनट के लिए भी अगर गाड़ी निकाली और पार्क कर दी उसको, तो एक ट्रिप को माना जाता है। तो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, टाइम कितना लगा, एवरेज स्पीड कितनी थी, ये सारा का सारा डिटेल्स आपको ट्रिप मीटर पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कल ये गाड़ी 7 ट्रिप किए टोटल, जिसमें से 4 ट्रिप बहुत ही छोटे थे, 2-2 मिनट के, उसमें से 3 ट्रिप मुझे पता है कि टेस्ट राइड लोगों को देने के लिए थे, और 2 ट्रिप लंबे थे 15-15 किलोमीटर के, और 1 ट्रिप 3 किलोमीटर का था। तो ये सारा का सारा डेटा हमको ट्रिप मीटर से समझ में आ जाता है। अभी एक और फीचर जो है इस ऐप का है वो है अलर्ट्स का फीचर। समझो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको अलर्ट आता है। कैसे एक्सीडेंट होता है पता चलता है? जब आपका डिसलरेशन रेट गाड़ी का एक सेट लिमिट के बाहर जाता है तो गाड़ी का अलर्ट क्रिएट करती है, मतलब कि आपकी गाड़ी को खतरा है, एक्सीडेंट हो चुके हैं। दूसरा आपका अलर्ट है स्पीड के बारे में। सपोज आपने डिसाइड किया, आपने इंस्ट्रक्शन दे दी अपने ड्राइवरों को कि आपको 35 के ऊपर नहीं जाना है, और गाड़ी 35 के ऊपर चली गई,
हालांकि लो स्पीड गाड़ियाँ 35 के ऊपर जा नहीं सकती है, लेकिन आपको एक इमीजिएटली अलर्ट आ गया कि यार फलाने फलाने ड्राइवर ने फलाने फलाने गाड़ी को फलाने फलाने जगह पे हाई स्पीड पर दौड़ा है। तीसरा अलर्ट है कि अगर आपकी गाड़ी बंद पड़ी हुई है और किसी चोर ने इसको खींच करके दूसरी गाड़ी के साथ बांध दिया, इसको टोइंग कहते हैं, तो आपको वो भी अलर्ट समझ में आ जाता है। अगर आपकी एक फ्लीट है और आप जानना चाहेंगे कि कौन सा ड्राइवर के क्या स्कोर है, तो आपके पास में एक ड्राइवर स्कोरिंग सिस्टम भी है। इसमें आपको चार पांच चीज़ें बताई जाएंगी। एक, ब्रेक हार्ड कितनी बार मारा गया। दूसरा, एक्सेलरेशन आपने कभी ज़बरदस्त कब किया। सडन लेफ्ट कहाँ मारा, सडन राइट कहाँ मारा, और स्पीड लिमिट को कितनी बार आपने एक्सीड किया। तो एक और फ्लीट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में सिक्योर पार्क फैसिलिटी है कि समझो आपने एक सेटिंग डाल दी उसके अंदर, 11 बजे से रात के सुबह 8 बजे के बीच में अगर गाड़ी किसी ने हिलाई तो आपको अलार्म आ जाना चाहिए, चाहे चाबी के साथ चाहे चाबी के बिना। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प फीचर है वो है इमोबिलाइजर का, मतलब कि आप अपने फ़ोन पे कंट्रोल कर सकते हो कि गाड़ी ऑन होगी या नहीं होगी। जैसे ही आपने ऐप में अपना पासवर्ड डालने के बाद इमोबिलाइजर ऑन कर दिया तो आपके गाड़ी का एक्सेलेटर हिलते रहेगा लेकिन गाड़ी जगह से नहीं हिलेगी। आप उसको तभी ऑन कर सकते हैं जब ऐप पे आप फिर से उसको मोबिलाइज करते हैं। चलो अभी देखते हैं कि ये होता कैसे। मैंने ऐप खोला, ऐप के अंदर में इमोबिलाइज फंक्शन पे अपना पासवर्ड एंटर किया और फिर इमोबिलाइज बटन को दबाया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेवल 3 पे बता रहा है जो कि अभी का गियर है, ये 2-1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि स्क्रीन ब्लैंक हो गया, गियर के LED कोई नहीं चली हुई है, इसका मतलब कि आपकी गाड़ी इमोबिलाइज हो चुकी है क्योंकि कोई भी गियर सेलेक्ट करने को आपको अलाउ नहीं कर रहा है, मैं ये जितना भी कर लूँ। और दूसरा आप देखेंगे गाड़ी को एक्सेलेटर दबाओ, पावर ऑन है लेकिन गाड़ी हिल नहीं रही है, गाड़ी इमोबिलाइज। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि व्हील आपका अभी भी फ्री है, कोई कोई मॉडल्स होते हैं जिसमें व्हील लॉक हो जाता है, इसमें वो फैसिलिटी नहीं दी हुई है। अब इसको मोबिलाइज करते हैं, तो हमने ऐप पे वापस गए और फिर से पासवर्ड एंटर किया और फिर से मोबिलाइज का बटन दबाया। ये सारा काम हमारे मित्र कमलेश जी कर रहे हैं, आप ये मत समझिए कि हमारे पास एक तीसरा हाथ है जो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मोबाइल से सिग्नल जाएगा सर्वर्स के पास में, सर्वर से सिग्नल आएगा स्कूटर के ऊपर में, और ये देखिए नंबर 3 आ गया है, नंबर 2 पे जाना चाहते हैं नंबर 2 भी आ जाएगा और हमने गाड़ी ऑन हो गई। तो ये था इमोबिलाइजिंग का फंक्शन। और अगेन, अगर आपको लगता है कि गाड़ी चोरी हो चुकी है तो चोर को फंसाने के लिए आप ये फंक्शन ज़रूर कर सकते हैं। बेचारा सोचते हैं यार कैसी रद्दी गाड़ी ले ली मैंने। ओके, तो अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं जियो फेंसिंग का फीचर। अब हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अपने बाउंड्री डिफाइन की है, एक सेंटर पॉइंट होता है और वो सेंटर पॉइंट से आपने एक गोल चक्कर बना लिया होता है जिसके बियॉन्ड आप कहते हैं कि गाड़ी को जाना नहीं चाहिए। आप देखते हैं कि गाड़ी गोल चक्कर करीब हमने ज़्यादा बड़ा नहीं, आधा किलोमीटर का गोल चक्कर बनाया हुआ है, तो हम चलते जाते हैं, देखते हैं जहाँ पे गाड़ी बंद हो गई वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि फेंसिंग ऑपरेशन में आ गई। फॉर्चुनेटली इस गाड़ी में व्हील लॉक की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि कई कई बार जियो फेंसिंग करते हैं वो डेंजरस हो सकती है। इस बैटरी का क्या क्या मेड इंडिया है पार्ट्स आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले टायर से शुरू करते हैं, दोनों टायर सीएट के हैं, मेड इन इंडिया। चैसी भी इंडिया में बन रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैटरी जो है वो भी मेड इन इंडिया है। तो रफली आप समझ लीजिए 60% जो है वो गाड़ी आजकल मेड इन इंडिया है। प्लास्टिक के पार्ट्स वगैरह वगैरह वो सब अभी भी चाइना से आ रहे हैं। तो फाइनली 150 किलोमीटर 85 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में क्या अच्छा लगा? जो बात बढ़िया है कि गाड़ी काफ़ी रिलायबल लगी, ऐसे बीच में कभी झटके नहीं मारे, कभी फटके नहीं मारे, ब्रेकिंग स्मूथ है, एक्सलरेशन स्मूथ है, बारिश में गाड़ी चलाई कोई ऐसे डर नहीं लगता है कि गाड़ी स्लिप हो जाएगी, स्टेबल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, सस्पेंशन
काफ़ी ठीक ठाक लगा। बनिस्बत बाकी गाड़ियों के आपको ये गाड़ी थोड़ा सा एक होंडा डियो टाइप की स्टाइलिंग लगती है, तो रास्ते पे लोग समझते नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। दूसरा, एक्सेलरेशन इतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब जैसे कि कहेंगे ना आपकी ये 20 साल शादी होने के बाद में जैसे पति पत्नी का एक रिलेशनशिप होता है वैसे गाड़ी और ड्राइवर का रिलेशनशिप, तो कोई सरप्राइज नहीं रहते हैं लेकिन रिलायबिलिटी रहती है। एक और चीज़ जो इम्प्रूवमेंट एरिया है सुधारने वाली वो ये है कि जो इसके स्पीडोमीटर कंसोल में जो बैटरी का जो डिस्प्ले है वो वोल्टेज बेस्ड है, और जैसे कि हम पहले भी एपिसोड में बता चुके हैं कि LFP बैटरी का वोल्टेज काफ़ी स्थिर रहता है और एंड में सडन ड्रॉप मारता है, तो उसकी वजह से इसकी आपको SOC की पता नहीं चलता है ठीक से। हाँ, गुड न्यूज़ यह है कि इसके अंदर की जो बैटरी है जो कि ओकाया नाम की एक इंडियन कंपनी है जो बना रही है, उसके अंदर में एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें कि आपको एग्जैक्ट स्टेट ऑफ चार्ज का सिचुएशन पता चलता है। अगर वो बैटरी और ये स्पीडोमीटर ठीक से आपस में बात करना शुरू कर दें, जो रेंज का एंग्जाइटी रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आई थिंक गाड़ी इतनी अच्छी है कि ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट ध्यान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मैंने देखा है और इसमें भी है कि सीट और जो फ्लोर है इसकी जो हाइट है वो एक्टिवा जैसे गाड़ियों के मुकाबले में कम है, तो अगर ये हाइट बढ़ा दी जाए तो एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पोस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि ड्राइवर का बैठने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया बन जाएगा। मुझे लगता है कि जो पुराने चाइनीज़ डिज़ाइन हैं जिसमें लेड एसिड बैटरी नीचे डाला करती थी वगैरह वगैरह, उसकी वजह से लोगों ने वहीं पुराने डिज़ाइन लेकर के आज घूम रहे हैं, तो अगर ये डिज़ाइन बदले जा सकें तो शायद ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी एक्टिवा बन सकती है।